हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ इंस्टेंट पेड़े की रेसिपी, जिसे आपको घंटों खड़े रह के बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 मिनट में पेड़ा आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और कभी भी बना के इसे खा सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं इसमें लगने वाले इन्ग्रीडियंट्स। इंस्टेंट पेड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी लिया है मिल्क पाउडर, 4 चम्मच लिया है मैंने शुगर का पाउडर, उसके बाद 1 छोटा चम्मच रवा लिया है, 1 छोटा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर है जिसे मैंने शक्कर के साथ पीस लिया है, 1/2 कटोरी दूध है। सबसे पहले एक पैन गरम करें, उसके अंदर फिर घी ऐड कर देंगे। घी को अच्छे से पिघलने देंगे। घी पिघलने के बाद इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। दूध को उबलने देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते हुए उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच बारीक रवा। रवा डालने के बाद इसे नॉनस्टॉप हिलाते जाए ताकि इसमें गुठली ना पड़े। रवा मिक्स करके हो चुका है, अभी इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अगर गुठली पड़ गया तो पेड़ा ख़राब हो सकता है, तो मिक्स करते टाइम इसे ध्यान रखें। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख रहे हैं आप कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है। अभी लास्ट में इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर, जिसे मैंने घर पे ही तैयार किया है। तो ये पाउडर मैंने सिर्फ 2 चम्मच डाला है। अब इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये जमने के कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये तैयार हो चुका है और इसे ठंडा होने देंगे। तो अभी हम गैस बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और अब देख रहे हैं कि एकदम अच्छा सा खवा बन के तैयार हो चुका है। तो हाथ में घी लगा लें और 1 चम्मच की सहायता से पहले पूरा खवा इकट्ठा करें और उसके बाद इसे हाथ में रखें ताकि ये चिपके नहीं। और हाथ में लेने के बाद इसका एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है, एकदम चिकना डो तैयार कर दे ताकि पेड़ा एकदम अच्छा और प्लेन तैयार हो। तो ये लीजिए, मैंने चिकना डो तैयार कर लिया है। तो अभी हम पेड़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको जो भी साइज़ का पेड़ा बनाना हो वो साइज़ का हाथ में ले लें। नींबू के आकार का साइज आप ले सकते हैं और उसे हाथ पे गोल घुमाते हुए एकदम चिकना कर देना है और उसके बाद बीच में हल्का सा गड्ढा करते हुए पूरा पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। तो आप देखते जाइए, मैं इसी तरीके से सारा पेड़ा बना के तैयार कर लूँगी। ये पेड़ा टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वीडियो में आप लोग के सामने लाई हूँ। तो अगर आपने इससे पहले पेड़ा नहीं बनाया हो तो ज़रूर घर पर बनाएं। इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं पिस्ते, तो पूरे पेड़ा पर आप पिस्ता लगा सकते हैं या बादाम भी लगा सकते हैं, आपके पसंद पे है। और ये पेड़ा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको इंस्टेंट पेड़ा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।